सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए माइनक्राफ्ट के गेम प्ले में। और ये देखो नई क्या बोलते हैं इसे, आर्मर, नया आर्मर। लेकिन ये चेन का ही आर्मर है, बेकार सा। लेकिन कोई नहीं, मैंने पहन रखा है क्योंकि विलेजर्स का गिफ्ट स्वीकार करना चाहिए, हमें पहनना चाहिए। और देखो कितने सारे आर्मर। और ये बुक्स आप सोच रहे होंगे, ये मेंडिंग 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 मेंडिंग, क्योंकि ये मेंडिंग, देखो पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि मैं रेड जीता था और रेड के बाद हमने फॉर्च्यून 3 इनसे खरीद ली थी, है ना। और लेकिन आज हम माइनिंग करेंगे फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स से। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं, आप सोच रहे हो कि इसके पास मेंडिंग कैसे आए, कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। नहीं, देखो इनमें से कोई है जो मुझे वो दे रहा था, यही है शायद। ये देखो मेंडिंग दे रहा है ये मुझे इस, और उस समय मेरे पास हीरो ऑफ द विलेज था तो ये मुझे सस्ती दे रहा था बहुत। तो मैंने मेंडिंग इससे जितनी ले सकता था इतनी ली। और मेरी भाई एक्स तो जानते ही हो ये लोग, है ना, ये सब मुझे एक्स वैक्स दे रहे थे। इतनी इतनी हो गई थी, मैं सोचा यार लकड़ियां काट काट के एमरल्ड इकट्ठे कर लेते हैं। और इतने सारे एमरल्ड कर लिए मैंने, दो तीन, कम से कम तीन। और पहले तो ये 19 में ही मेंडिंग दे रहा था और अब देखो 30 की कर दी, है ना। तो अब महंगी हो गई है, कोई नहीं। लेकिन अब देखो क्या करना है कि मुझे अपनी, मेरी पिकेक्स कहाँ है, ये रही पिकेक्स, पिकेक्स है। इस पे मुझे वो करनी है, फॉर्च्यून 3 लगानी है। एक मिनट आवाज कम कर लूँ, ये ज्यादा शोर कर रहे हैं बहुत। तो वो तो पहले मुझे क्या है, मेरे पास वो नहीं है, शिट शिट शिट। मुझे क्या पहले इसमें से जितने भी इंचांटमेंट, रुको यार क्या कर रहा हूँ मैं। और लकड़ियाँ देखो, मैं एक्स दिखाता हूँ, मैंने इधर नई एक वो लगाई है, ये देखो एक्स। देखो आप, देखो ये थोड़ी लो रखी थी, मैं लकड़ियाँ काट रहा था और मैंने थोड़ी लकड़ियाँ काट के रख भी रखी है, ये रही। हाँ तो एमरल्ड पहले मैं देखता हूँ, मेरे पास 17 ही एमरल्ड है और मुझे एक एफिशिएंसी 4 और चाहिए। तो मैं लकड़ियों से चलो वो कर लूंगा, थोड़ी ट्रेड इसमें से भी कर लूंगा, मेरे पेपर्स पेपर्स, हाँ थोड़े पेपर्स से भी, जिससे एमरल्ड अपने पास हो जाए ज्यादा और मुझे मिल जाए एफिशिएंसी। मेरे पास बुक है एक एक रख लेता हूँ बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा लालच नहीं। तो जल्दी से मैं एफिशिएंसी 4 लाता हूँ क्योंकि आज हमें डायमंड ढूंढना है, वो भी फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स। और इसमें मैं मेंडिंग लगाऊंगा और एफिशिएंसी 4 कौन दे रहा था मुझे, ये है शायद, हाँ तो ये 25 में दे रहा है। तो सबसे पहले आओ रे इधर। अच्छा पहले मुझे लकड़ियां बनाने पड़ेंगी। ओके लकड़ियां मैंने बना ली बहुत सारी, ला दे दे सारी, दे दे सारी, जितने भी एमराल्ड आएंगे सारी ले लेंगे गाइस, क्योंकि आज मुझे फॉर्च्यून 3 से डायमंड माइन करने में बहुत मजे आने। अरे खत्म भी हो गई, और कितने एमराल्ड, 28 हो गए आई थिंक, इतने बहुत है। मैं और वीडियो में करता रहता हूँ वैसे इनसे ट्रेड। एफिशिएंसी 4 आ गई, चलो अपना काम बन गया। यहाँ से विलेजर्स ऐसे अच्छे हैं यार, तू क्या हो गया तुझे। ओके तो चलो चलते हैं। और ओ एक्सपी भी हो गई। और सॉरी यार मैंने एफिशिएंसी 4 मैंने पहले क्यों ली, गलत ले ली, क्योंकि यार मैं मेंडिंग लगाता इस पे, मैं आधे अधूरे काम करता हूँ। उसके पास यार उधर एक रिपेयर वाला एक वो होता है, वो क्या है कि सारी इसमें से जो भी वो चीजें होती है ना वो हटा देता है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या, ये इसमें से क्या है कि ये देखो डिसइंटेंट कर देगा। और एक्सपी जरा सी एक्सपी मिली, शिट जितनी मैंने एक्सपी इसमें यूज करी थी उससे तो मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, धोखा। कोई नहीं एक्स, अभी मुझे ट्रेड और कर दिया, हाँ सही है। देखो गाइस अब मेरे पास इसमें मेंडिंग आ जा, जो जो मुझे लगानी है, एफिशिएंसी 4 है ही तो फॉर्च्यून 3 आ जा, अनब्रेकिंग 3 भी आ जा क्योंकि ये मुझे लगानी है, एफिशिएंसी 2 नहीं लगानी। कहाँ गई, ओके मुझे ढूंढने पड़ेगी। देखो ओके एफिशिएंसी 4 ये रही, हाँ तो आ जाए इसमें लगाते हैं एफिशिएंसी 4। एफिशिएंसी 4 कहाँ है, ओके 5 कॉस्ट ले रहा है ये, शिट ओ शिट मेरा वो ही टूट गया, मुझे नया बनाना पड़ेगा। मुझे लग नहीं रहा मैं बना पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत आयरन खर्च होते हैं। ओके शायद मैं बना सकता हूँ, ओके मेरे पास है इतने कि मैं आयरन बना सकता हूँ। एक एनविल देखते हैं, एनविल मिल जाए एक, ओके मिल गया एनविल, अब शायद सस्ती देगा नया एनविल।
हो सकता है ऐसा, कुछ भी हो सकता है देखो। हाँ तो एफिश, अब सबसे पहले मेरी पिकेक्स ये रही, आ जा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा इस पे मेंडिंग। ओ, 2 कोस्ट हिल लग रही है सिर्फ। अब मैं सोच रहा हूँ फॉर्च्यून 3 पहले हमें लगानी चाहिए, 8 कॉस्ट। ओके ओके, अब एफिशिएंसी 5 लगाऊँ या अनब्रेकिंग, देखते हैं सबसे कम किस में लग रही है। ओके अनब्रेकिंग में ये, लेकिन मैं ये लगाऊंगा ना एफिशिएंसी 5, सो सबसे ज़्यादा सही है। अब 4 में लग जाएगी क्या, 11 कॉस्ट कर दी शिट। लेकिन मेरी पिकेक्स, अब देखो मुझे क्या उनसे ट्रेड करने पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी एक्सपी बहुत हो गई है लो। अब उसके लिए देखो मेरे पास एक टेक्निक है, मैं बताता हूँ पहले। अरे यार वैसे कोई नहीं आएगा अंदर, तो सबसे पहले मैं लकड़ियां बना ले। शिट नोई, शिट यार धोखा हो गया मेरे साथ, इतने सारा कर ली मैंने तैसे। एक तो ये डार्क ऑक दिखते नहीं है, लॉग है क्या है। अब यार ये क्या फेंक दिया मैंने, क्या फेंकूं, ये फेंको और क्या फेंकूं ये। ओके ठीक है, सारे सो गए। देखो ये कौन है भाई जो हाँ ये है। तो अब देखो पहले मैं इसको एफ इसमें पकड़ ली। अबे तू कहाँ जा रहा है, कुछ हो भी रहा है देखना पड़ेगा। ओके मैं देख रहा हूँ, एक्सपी तो मिल रही है अब। ओके तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होए, देखो इतनी लेवल थी, अब मुझे पता भी नहीं मेरे पे कुछ फर्क पड़ा भी या नहीं, आई डोंट थिंक। ओके और कौन था जो दे रहा था, कहाँ पर है, देखो ये सब भग जाते हैं मेरे से। अरे यार कहाँ गए ये, कहाँ पड़े हुए सो रहे हैं। अरे ओके गाइस, तो मैंने ना इसको देखो पूरी वो कर लिया, लेकिन अभी भी एक्सपी मेरी 6 ही हो पाई। मैंने इनको ब्रीड करवाया बहुत, जब जाके मेरी एक्सपी देखो मतलब 6 हो पाई है, इसलिए अनब्रेकिंग तो नहीं लग सकती, लेकिन अभी इतनी बहुत है क्योंकि मेंडिंग लग गई है, तो अनब्रेकिंग का लगवा लेंगे बाद में जब एक्सपी होगी। उनसे बहुत ट्रेड करने पड़ेगी मुझे पहले। ओके फ्रेंड्स, हम माइनिंग वाली जगह पे आ गए हैं, मैंने सारा सामान जो मुझे चाहिए था वो रख लिया है, और मैंने देखो पूरी अपनी पूरी वो बढ़वा लिया। अब देखते हैं यहाँ से हल्की सी, तो देखो हमने पहले वीडियोज में देखा होगा हमने माइन करा था तो यहाँ और यहाँ कर लिया, अब हमें आगे जाना है। ये देखो कितनी जल्दी हो रही है। ओके तो मुझे ज्यादा नहीं, 2 छोड़ के। ओके ओके ये यहाँ पर करना है, तो मेरे पास है ये, पकड़ लेता हूँ और उससे देखो यहाँ लगा देता हूँ, इससे करेंगे माइन। अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो देखते हैं, क्योंकि मैंने अनब्रेकिंग 3 नहीं लगाई है इस पे, इसलिए मैं उस पे नहीं करना चाहता अभी। तो चलो देखते हैं कुछ बढ़िया मिलता है इधर या नहीं। देखो मैं 2 तरीके से करूंगा इस बार माइन, पहले हम स्ट्रेट माइन करेंगे सिंपल खड़े होकर, और दूसरी में हम करेंगे वो मैं ट्रैप डोर वाला नीचे। ओके तो देखो इसमें भी ये जो हमें रेड स्टोन मिले हैं, इसमें भी देखो हमें फर्क पड़ता है फॉर्च्यून 3 का। तो देखो मैं बताता हूँ अभी, देखो मैं सिंपल तोड़ूंगा ठीक है, मुझे मिले 4 ठीक है, अगर मैं 4 मिले या 2 मिले हैं पता नहीं ठीक है। अब मैं इससे तोड़ता हूँ देखते हैं, 10 मतलब 6 मिल गए, तो इससे देखो 24 हो भी गए, इसलिए ये बढ़िया चीज है बहुत। ओके मैं ये सारा बंद कर देता हूँ और माइनिंग में लग जाता हूँ। अरे यार मैंने ये क्यों लगाए। ओके ये अब मैं डायरेक्ट माइन शुरू कर देता हूँ करना। वो तरीका देखो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है, देखो 2 छोड़ के। हाँ अब सबसे पहले यहाँ पर है ना ये लगाओ, अब इसको कर दो ये। अबे
ये काम ही नहीं करा हमारा। हाँ देखो गाइस, अब मैं लेट गया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मैं रुको, थोड़ा खो देता हूँ आगे। हाँ देखो गाइस, ये मिल गया मैं, और देखो मैं लेट गया हूँ पूरा। ये देखो आ आ लेट गया। तो ये भी टेक्निक बढ़िया है वैसे थोड़ा। ओ शिट, अब देखो गाइस मैं, ओ सॉरी यार, ये तो मुझे अब मुझे वापस से ही, बस ये है कि ये ढकना पड़ेगा वापस। अब फिर लेटो। हाँ देखो अब मैं लेट गया हूँ, अब चलो बस अब आगे तक काम करते रहना है। इसमें देखते हैं, इसमें भी बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है ये, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें इसमें। ओके गाइस, अब हम और करेंगे क्योंकि हमें इधर भी नहीं मिला आज, पता नहीं बेकार लग गया बहुत, सही बता रहा हूँ। यहाँ पर करते हैं वापस से शुरू। क्यों डायमंड नहीं मिल रहा है? मैं इसी से कर रहा हूँ, इससे जल्दी जल्दी होता है। मिलते ही नहीं है, मैं डायमंड ही नहीं मिल रहे बोलो। ये कोल कोल मिल रहा है, इतना सारा इकट्ठा कर लिया मैंने। कर लेते हैं, अब मिल ही रहा है तो कोल, और मिलता है इतना सारा है बस। अब ओके फ्रेंड्स, मुझे मिल गए हैं डायमंड्स। देखो आखिर में बड़ी कोशिश करने के बाद मुझे कितने मिले। ओके आई थिंक वो बहुत सारे हैं शायद। ओके सही में कितने हैं? आई थिंक 8 है। सो गाइस अब मैं देखो तोड़ता हूँ, अभी एक मिलता था ना, तो देखना पहले खाली करना पड़ेगा सामान। यार क्या फेंको, ये ग्रेनाइट फेंको, ये फेंको। हाँ वाओ, एक एक ही क्यों? मैं इसी से तो तोड़ रहा हूँ, फॉर्च्यून 3 से। शिट ओके, कभी कभार एक मिलता है लेकिन ज्यादातर तो मुझे एक ही मिला है। ओके 10 मिले हैं। सो गाइस मेरे साथ बहुत ही बड़ा पोपट हुआ है, लेकिन कोई नहीं, हम जारी रहेंगे अभी भी, अभी और भी मिल सकते हैं हमें। तो हमें 10 मिल गए और मैंने शायद 6 या 7 तोड़े हैं, तो सही है आई थिंक। और करेंगे, मिलेंगे आखिर में हमें कुछ तो मिलेगा कभी। तो चलो चलते हैं वापस माइनिंग करने। सो गाइस देखो डायमंड मिल गए। मैं भी इधर क्या है कि ये देखो आयरन तोड़ रहा था, तो उसके पीछे छुपे बैठे थे ये। ओके मैं देखता हूँ। ओके कितने हैं? बस बहुत हैं क्या यार? नीचे वीचे तो नहीं है ना कुछ? पहले ही देख लो। हाँ तो गाइस अब तोड़ने जा रहे हैं। ओके ओके ये भी ओके 19, मतलब मुझे 9 और मिल गए हैं। ओके गाइस आज के लिए देखो अभी तो हमने तोड़ लिया है बहुत, अब और तो देखो हमें नहीं मिल रहे, मैं तोड़ते जा रहा हूँ फिर भी। ओके आगे और मिल गए। शिट व्हाट द हेल, रुको रुको, ये एक ही है क्या? अबे एक ही, ये देखो गाइस। ओ नहीं एक नहीं है, पहले ये तोड़ लेते हैं। शिट शिट शिट, नहीं, ये हरकतें नहीं। ओके ये तोड़ लेते हैं पहले। ओके अरे यार कितना है ये? शिट ओके उसे रहने दो, इसके इसके ऊपर तो नहीं है ना कहीं? देखो ओके ये 2 ही है, इसके 22, ओ 19, ओ मतलब सही मिल गए गाइस। इधर भी बहुत सारे मिले हैं आज, तो मजे आ गए गाइस।
सही में अब आई थिंक नहीं मिलेंगे हमें। सो ओके गाइस, हम आ गए हैं ऊपर, बहुत माइन कर लिया। और देखो बाइस, मेरे पास कम से कम एक आर्मर बनाने लायक ये हो गए हैं, और ये देखो ये तो बहुत सारे। और मैं थोड़े से नीचे ही भूल गया, थोड़े तो नीचे ही भूल गया मैं, उसका क्या करूँगा। कोई नहीं गाइस, हम बाद में ले आएंगे उसको भी, और ये मैं रख देता हूँ जब तक संभाल के। अरे ये तो वैसे भी यहाँ नहीं आते, इनको मैं रख देता हूँ। गोल्ड और है जैसे, ये 61, चलो गाइस ये भी मिल गए, सही है। और लैपिस वैपिस तो मैं रख दूंगा यहाँ पर, लैपिस जाएंगे सारे इधर। ओके, और अपने बिल्डिंग मटेरियल सारा इधर रख देता हूँ मैं, काम आता रहता है ये भी। ओके ये भी भर गया पूरा, लो चलो अब मैं क्या करूँगा। ओके गाइस, आज मजा आया माइनिंग करके फॉर्च्यून 3 के साथ, अनब्रेकिंग। लेकिन अभी भी इस पे महंगी लगेगी, तो कोई नहीं, हम अगली वीडियो में इसको लगा लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।